एवरीवन, सो माय नेम इज़ अनुषा एंड टुडे आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. हे गाइस, सो यू कैन सी मैंने अपने बालों को ऑलरेडी पीछे कर लिया है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, बिकॉज आप नहीं चाहते कि जब आप स्किन केयर कर रहे हो तो आपके फेस पर बार बार बाल है और प्रोडक्ट हमारा डिस्टर्ब हो. ओके, सो अब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हमारा जो फेस पे बिल्डअप है, चाहे वो डर्ट हो, मेकअप हो, या लेफ्ट मतलब या स्किन केयर हो कर आपने सुबह कर रखा हो, तो हम पहले उसको रिमूव करेंगे. ओके, सो फॉर दैट आई एम गोना बी यूजिंग दिस गार्नियर माइसेला वाटर. समटाइम्स आई यूज दिस, समटाइम्स आई यूज दिस प्लम क्लेंजिंग मॉप. ओके, सो जब मैं थोड़ा हैवी मेकअप करती हूँ तो मैं ये यूज़ करती हूँ. जब मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप करी होती हूँ, मैंने इनफैक्ट मेकअप ही नहीं किया होता, इसलिए मैंने आज मेकअप नहीं कर रखा है, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ. वैसे ये मेकअप में भी बहुत अच्छा काम करता है. ओके, मेरे पास दो है तो मैं ऐसे मैं कर लेती हूँ यूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना बी टेकिंग दिस ऑन दिस पैड, टेकिंग सम प्रोडक्ट एंड वाइपिंग इट. ओके, मैंने आज कुछ भी मेकअप नहीं कर रखा था भाई. नाउ आई एम गोना बी वॉशिंग माय फेस. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. आई हैव क्लेंज माय फेस. ओके, आई हैव रिमूव्ड ऑल द मेकअप. अब मैं सेकेंड स्टेप होगा फेस वॉश करना. फॉर दैट आई एम गोना बी यूजिंग दिस एक्वालॉजिका ग्लो प्लस फेस वॉश. सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस एक्वालॉजिका ग्लो प्लस स्मूदी फेस वॉश. सो एज यू कैन सी द टेक्सचर, ये इसका टेक्सचर है, ये कुछ ऐसा है. ये बहुत अच्छा फेस वॉश, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छे से हमारा फेस को क्लेंस करता है विदाउट ड्राइंग इट. ये साइज तो मैंने फेस वॉश कर लिया है. सो नाउ आई एम गोना बी यूजिंग दिस एक्वालॉजिकल टोनर. एज यू कैन सी आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस. आई रियली रियली लव दिस टोनर. ये बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा टोनर है. ओके, आई एम नॉट प्रमोटिंग बट आई रियली लाइक दिस. Just have to pat it, okay? ये काफ़ी refreshing रहता है. इसमें coconut water and hyaluronic acid है, मैं आपको दिखाती हूँ. This is the toner which I'm talking about. See, I have almost finished this. This is the really really good toner. You can give it a try. So now I'm gonna be using this plum 15% vitamin C serum. अगर आप beginner हो तो please 15% से मत शुरू करना, थोड़ा कम percentage से शुरू करो, फिर उसको gradually अपने skin care में मतलब introduce करना. Okay? मैं तो काफ़ी time से use कर रही हूँ. मेरे को actually pigmentation की problem थी, अब वो सब जा चुकी है. हल्का फुल्का थोड़ा बहुत scars है जो pimples के हो जाते हैं acne mark के. So please 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 do a patch test before using this. So I'm just gonna be taking few drops of it. इसको धीरे धीरे बस आपको पैट करना है. जब भी हम विटामिन सी यूज़ करते हैं, हमें मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि हम उसको रात में यूज़ करें, बिकॉज विटामिन सी और सनलाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्किन रिएक्ट हो जाएगी. अगर आप दिन में इसको यूज़ करना चाहते हो, प्लीज़ वेयर अ सनस्क्रीन. ओके, बहुत अच्छे से सनस्क्रीन की लेयर लगाइएगा. बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रात में यूज़ करो. मैं तो हमेशा से रात में यूज़ करती आई हूँ. अगर मैं क्या करती हूँ ना, मैं दिन में अपनी स्किन को हाइड्रेट करती हूँ और रात में अपनी स्किन को ट्रीट करती हूँ. डोंट फॉरगेट योर नेक. आप जो कुछ भी अपने फेस पे लगाओ, नेक पे ज़रूर लगाइएगा, उसको मत भूलिएगा. ओके, सी विटामिन सी से क्या होता है कि एक ग्लो आता है फेस पे. जो भी जो है हमारे फेस में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, सब चले जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ द प्लम विटामिन सी सीरम. So now I'm gonna be using this Dermaco Vitamin E Moisturizer. Okay. पहले ना मैं वो यूज़ करती थी एक्वालॉजिका की हाइड्रेट प्लस, बट आजकल ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, आई डोंट नो वाई. सो मैं यही विटामिन ई वाली यूज़ करती हूँ, इससे मेरी स्किन थोड़ा सा पहले से बेटर हुई है.
डन मॉइस्चराइजिंग माई फेस, मैं कभी कभी ये मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ और कभी कभी एक्वालॉजिका का ये नाइट जेल यूज़ करती हूँ. दिस इज़ ग्लो प्लस मूज नाइट जेल, आई शो यू. इसमें भी विटामिन सी है, ये हमारे स्किन को ब्राइटन और हाइड्रेट करता है. आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड बट आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, आई रियली लाइक दिस ब्रांड एक्चुअली. आई एम डन विद द फेस, नाउ आई एम गोना बी मॉइस्चराइजिंग माई लिप्स. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस लनीश लिप स्लीपिंग मास्क. इट्स अ कल्ट फेवरेट एंड आई नो द रीजन वाई इट इज. आई नो इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस यू कांट गो बैक. ये आपके स्किन को, सॉरी, ये आपके लिप्स को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है ना, क्या ही बताऊँ. मैं तो रात में ना इसकी एक प्यारी सी लेयर लगा के सो जाती हूँ, सुबह जो मेरे बेबी लिप्स हो जाते हैं ना. ओके, आई नो ये बहुत एक्सपेंसिव है बट ये चलता भी काफ़ी टाइम तक है. Look at the formula. So yeah, that's how my night time skincare looks like. मैं अंडर आई क्रीम भी यूज़ करती हूँ. पॉप अप पिक्चर हेयर एक्चुअली वो भी ख़त्म हो गई है, सो मैं अभी इतना नहीं यूज़ कर रही. आई विल बाय इट अगेन, देन मैं वो यूज़ करूँगी. आई विल रिकमेंड यू गाइज ऑल्सो, वो काफ़ी अच्छी है, उसने मेरे डार्क सर्कल के साथ काफ़ी हेल्प किया है. ओके, सो दीज ऑल द प्रोडक्ट्स आई यूज़, आई विल टैग इट बिलो. अब मैं ना रात में क्या करती हूँ, एक ये बॉडी मिस्ट है प्लम का, हवाईन रूम्बा. मैं भी स्प्रे करके सोती हूँ बिकॉज मुझे स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे अच्छा स्मेल करना बहुत ज़रूरी है. मैं सोते टाइम भी ज़रूर बॉडी मिस्ट कुछ अप्लाई करके सोती हूँ, फिर क्या अच्छी नींद आती है. दिस इज़ अ रियली गुड वर्ज, दिस इज़ अ गुड फ्रेगरेंस गाइज. सो लेट मी स्प्रे सम. That's how my nighttime skincare looks like. Please, please, please subscribe to my channel. Turn on the notification. Hit the like button. And comment down below what do you want to see next. Okay? Bye-bye.